पुअर पीपल मैजिकल चपाती। एक गांव में सुमित्रा श्रीधर नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम लावण्या। सुमित्रा श्रीधर दोनों मजदूरी का काम करते थे। उनकी मेहनत उनके घर की जरूरतों पे ही निकल जाती। इसलिए एक दिन सुमित्रा अपने पति श्रीधर से, सुनिए, आपसे एक बात कहनी थी मुझे। हाँ, क्या है, बोलो। देखो, कितने दिनों तक हम मजदूरी का काम करेंगे? मजदूरी का काम नहीं करेंगे तो क्या सरकारी नौकरी करेंगे? तुमने पढ़ाई की है या मैंने पढ़ाई की है नौकरी करने के लिए? ऐसा नहीं है जी, एक बार सुन तो लो। क्या नहीं है? अरे, अच्छा सुन रहा हूँ ना, बोलो। हम शहर जाए क्या? वहाँ कोई ना कोई काम करेंगे, वहाँ हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे, हमारी बेटी को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, क्या कहते हो? तुम जो कह रही हो वो सुनने में अच्छा ही लग रहा है। हमसे होगा क्या? ऐसा ना हो जाए कि हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार बैठे, इसलिए इस तरह की शहर की आशाएं छोड़कर यहीं जाएंगे। वो मेहनत हम यहीं करते हैं। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे ही सुमित्रा भी जाती है। ऐसे दोनों काम पे जाकर आए हुए पैसों से अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे। दिन गुजर रहे थे। एक दिन श्रीधर की तबीयत खराब होकर चारपाई पर गिर जाता है। उसकी देखभाल के लिए सुमित्रा भी घर पर ही रह गई। ऐसे हफ्ते 10 दिन काम पर ना जाने पर उनके घर पर खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं था। तभी उनकी बेटी लावण्या आकर, माँ, भूख लगी है माँ। ऐसे कहते ही सुमित्रा और श्रीधर एक दूसरे का चेहरा देखते हुए उदास हो रहे थे। अरे रुको बेटा, तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से रसोई घर में जाती है। रसोई घर में सारे डब्बे और बर्तन देख लेती है, किसी में कुछ नहीं था। अरे अब क्या करूँ, किराने की दुकान पर जाकर चावल उधार ले आती हूँ। ऐसे सोचकर बेटी के पास आकर, बेटा लावण्या, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, पापा के पास ही रहना तुम। ऐसे बोलकर वहाँ से बाहर आती है। सारा गांव देखती है, लेकिन कहीं पर भी उसे किसी ने उधार नहीं दिया। उस पर क्या करना है समझ ना आकर उदास होकर घर के तरफ जा रही थी कि चल रहे रास्ते पर एक मंदिर के पास रुककर वहाँ भगवान के तरफ देखकर, मैं बेटी की भूख भी नहीं मिटा पा रही हूँ माँ, क्यों ऐसी जिंदगी दी माँ, क्या पाप किया हमने। ऐसे बोलकर वही बैठती है। तभी एक बुढ़ी औरत सामने आकर उदास बैठी सुमित्रा को देखकर, बेटी की भूख कैसे मिटानी है ये समझ ना आकर उदास हो रही हो क्या? ऐसे कहते ही सुमित्रा आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ मुड़कर, आपको कैसे पता? मुझे सब पता है बेटा। हाँ, मेरे पति की तबीयत खराब है, 10 दिन से काम नहीं, सारे पैसे पति की दवाई में चले गए, अब मेरी बेटी भूख कह रही है तो मेरा पेट जल रहा है। ऐसे रो रही थी कि वो बुजुर्ग औरत सुमित्रा को संभाल रही थी। उदास मत हो, ये लो, ये रोटी ले जाओ। ऐसे अपने आंचल से एक गांठ खोलकर सुमित्रा को रोटी देती है। वो लेकर, सुमित्रा, अरे एक ही रोटी मुझे दे रही है तो आप क्या खाएंगी? मेरी भूख तो कब का मिट चुकी, इससे अपनी बेटी की भूख मिटाओ। आपकी आभारी रहूंगी। जाओ, तुम्हारी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। ऐसे बोलकर आशीर्वाद देती है। सुमित्रा अपने आंसू पोंछकर वहाँ से घर आती है। घर आते ही, बेटा लावण्या, आओ तुम्हारे लिए चपाती लाई हूँ। ऐसे रसोई घर में जाकर एक प्लेट में वो चपाती रखकर लाल मिर्च का डब्बा ढूंढ रही थी। मिर्च लेकर प्लेट की तरफ देखकर सुमित्रा शॉक, उस प्लेट में बहुत सारी रोटियां थी। अरे ये जादू है क्या, एक रोटी रखने पर इतनी सारी कहां से आई? ऐसे सारी रोटियां बगल में रख रही थी, वो जैसे जैसे निकाल रही थी वैसे वैसे रोटियां आ रही थी। सुमित्रा शॉक, तुरंत अपने पति श्रीधर के पास जाकर सारी बातें बताकर जहाँ से रोटियां आ रही थी वो दिखाती है। वो बुजुर्ग औरत देवता थी जी, इससे सारी तकलीफें चली जाएंगी। ऐसे बोलकर खुश हो रहे थे। सुमित्रा अपनी बेटी की भूख मिटाकर अपने पति से, सुनिए, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं काम पर नहीं जा सकती, इसलिए हमारे घर के सामने ही रोटी बेचूंगी, आए हुए पैसों से दवाइयाँ खरीद सकते हैं ना। अच्छा विचार है, ऐसे ही करो, कहता है। सुमित्रा भी हाँ कहकर घर के सामने रोटियाँ बेचती हूँ ऐसे बोर्ड लगाती है। एक
कटोरी में जादुई रोटी डालकर रोटी के लिए आए हुए सभी लोगों को उस कटोरी में से रोटी निकाल कर दे रही थी। ऐसे एक महीने तक उसका व्यापार अच्छे से होता है। सुमित्रा रोटी बेचकर बहुत पैसे कमाती है, अपने पति का इलाज भी करवाती है और अब दोनों मिलकर रोटियां बेच रहे थे। ऐसे एक दिन कलावती नाम की औरत आकर, सुमित्रा ना जाने तुम रोटियां कैसे बनाती हो, कितने स्वादिष्ट होते हैं पता है, बहुत नरम, सच में बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया जी, मुझे 10 रोटियां दो। हाँ अभी देती हूँ, ऐसे बोलकर देती है। ऐसे उनका व्यापार बहुत अच्छे से होता है। 6 महीनों में उनकी सारी तकलीफें कम हो जाती हैं। एक दिन सारा काम करके खाने बैठते हैं। माँ मुझे रोटी चाहिए। लावण्या हर दिन रोटी ही खाती हो ना, आज चावल खा लो बेटा। नहीं मुझे चपाती ही चाहिए। अच्छा रुको, ऐसे बोलकर उस कटोरी के पास जाकर देखती है, उसमें एक ही रोटी थी। वो देखकर, ये क्या एक ही है, ऐसे बोलकर वो रोटी हाथ में लेकर देखती है, कटोरी खाली हो जाती है। आश्चर्य होकर अपने पति के पास आकर, देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसकी शक्तियाँ खत्म हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी भी उस मैजिकल चपाती के भरोसे ही रहेंगे तो कैसे चलेगा, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। कल से ही मैजिकल चपाती ऐसे बोर्ड लगाकर खुद से ही चपाती बनाकर बेचेंगे। भले ही मैजिकल चपाती अब नहीं है, भगवान का दिखाया हुआ मैजिक हमेशा रहेगा, बेशक हम कामयाब होंगे। हाँ जी ऐसे ही करते हैं। ऐसे बेटी से कहकर, बेटा लावण्या लो ये जादुई रोटी तुम खाओ, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए गई थी, ये रोटी मिलकर हमारे भाग्य खुल गए, इसलिए ये रोटी तुम ही खाओ। ऐसे उसके प्लेट में रखती है। ऐसे वे खुद का रोटी का कोट लगाकर व्यापार करते हुए खुशी से थे। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।